Hello everyone, and assalamu alaikum. This is Shirfa Yasmeen. Welcome back to my channel and welcome back to my kitchen. जी हाँ, आज जो है वो पिनविल समोसे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसानी के साथ बन जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और झटपट है. आलू के साथ ये बनेगा और उसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है वो इन्हांस कर सकें. तो चलिए देर के बगैर हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. रेसिपी अच्छी लगी, चैनल पे पहली बार आप आए हैं और आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगती है रेसिपी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आइए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं. चलिए जी, हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं और बहुत कम खर्च में एक अच्छी चीज़ आपको बनाना बताएंगे. ये है मैदा और एक कप मैंने मैदा लिया है. ठीक है, मुझे बहुत सारा नहीं बनाना है, कम बनाना है. इस पर मैं अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ. इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक टी स्पून के बराबर तेल, देन हम इसको मिक्स कर लेंगे. ठीक है, ये हमने तेल की मिक्सिंग कर ली. अब इसको हम पानी के साथ गूंद लेंगे, जैसे कि आप लोग रोटी गूंदते हैं. फिर आपको ये बताएंगे पानी इकट्ठे बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना आपके लिए बहुत मसला होगा और इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा. ये तैयार हो गया, 5 मिनट का इसको रेस्ट देते हैं. ना हो जाए ड्राइनेस से बचाने के लिए इस पर हल्का सा मैंने ऑयल लगा दिया है और इसको हम कवर कर देंगे. हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा काम. यह है हमारे पास आलू, ये 2 से 3 आलू हैं. आप चाहें तो आप मकदार बढ़ा सकते हैं जिस तरह. आलू में मुझे क्या मिक्स करना है, अगेन ये कैबेज आ गया, थोड़ी सी गाजरें हैं, उसके अलावा ये प्याज कटी हुई है, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब चला गया इसमें. आई होप कि आपको दिख रहा हो, ये देखें. ठीक है, ये सब चला गया इसके अंदर और मैंने इसको ज़रा 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 अपने अंदाजे से लिया है. आप भी अंदाजे से बिल्कुल ले सकते हैं, बस हमें इसको जो है टेस्टी करना है. ठीक है, तो इसमें आप जो सब्जी डालना चाहें आपकी मर्जी. हाँ, उठी उठी सी कोई सब्जी मत डालिएगा, जिस तरह से अगर मटर है तो वो मत डालिएगा. अगर वो डालते हैं आप तो बेलने में प्रॉब्लम होगी, इसको काटने में प्रॉब्लम होगी, कहीं से फटके निकल भी सकता है. चलिए जी, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे. मसालों में सबसे पहली चीज़ आ गई नमक. ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगी बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च भी डाल दें, भुना हुआ जीरा धनिया 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 टीस्पून से भी कम साबित जीरा. ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे. इसका कलर थोड़ा अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं तो या तो आप डालेंगे फूड कलर, या फिर आपको क्या करना होगा इसमें हल्दी का इस्तेमाल करना होगा. मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है, फूड कलर डाल दिया है ताकि देखने में कलर खूबसूरत लगे. ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया. चाहे ये हमारा आटा जो हमने रखा था. अब हम क्या करेंगे, पहले एक दफा इसे हल्के से भून लेंगे. हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के छोड़ा था. चलो जी, ये भून लिया हमने. इसका आप डो बनाएं, मैदा लें, इसको अच्छी तरीके से स्मूथ करें. ठीक है, अच्छी तरीके से स्मूथ हो गया. अब हम इसे बेलेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें Thank you.
ये हमने पूरा बेल लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है, इस सॉल्यूशन को यहाँ रखेंगे, ये पूरा जो हमने तैयार किया है इसको यहाँ रखिए, और उसके बाद इसको इस तरह से इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला देना है, ठीक है। जिस तरह से मक्खन लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। थोड़ा सा कोना में छोड़ रही हूँ ताकि मैं फोल्ड कर सकूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से पकड़ूंगी इसे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको मोड़ा और अब मैं इसको रोल करती चली जाऊंगी, बहुत एहतियात के साथ, आराम आराम से। आखिरी वाले लेयर पे मैं ये थोड़ा सा मैदा मैंने घोल के रखा हुआ है वो मैं लगा रही हूँ। वैसे ये हो जाएगा उसके अंदर जब हम इसे तैयार करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर मैं ये क्यों डाल रही हूँ, ताकि आलू में अपना एक मॉइस्चर है वो इसको खराब ना कर दे, गीला करके तोड़ ना दे, ठीक है। चले अब हम इसको सेट करते हैं। आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल इसी तरह से फ्रिज में रख दीजिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। चल सबसे पहले बीच से मैं काट के आपको दिखाती हूँ, आपको बड़े खूबसूरत लगेंगे ये। ये देखें कितने अच्छे लग रहे। बस अब मैं इसको ज़रा मोटा मोटा काटूंगी। ये देखें, एक कटा, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, और इसको हम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है जो कॉर्नर है उसका छोटा ही बनेगा, बड़ा तो नहीं बन सकता। अब थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए, ये करना है कि एक अंडा लेना है, इसको तोड़ना है और इसे बीट करना है। आप चाहें इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है, ठीक है। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी। चलिए हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये एग का बैटर जो मैंने बनाया हुआ है इसमें मुझे डिप करना है और फिर यहाँ पर डाल देना है। हम टर्न कर देंगे ये में। तो ये थी आज की रेसिपी, पिनव्हील पोटैटो समोसे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत लजीज हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट क्या है। अब यहाँ पर मैं अपनी रेसिपी एंड कर रही हूँ। शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। और हाँ, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसकी जो एहतियात मैंने आपको बताई है वो ज़रूर कीजिएगा, बहुत पतला डो नहीं बेलिएगा। अगर आपने बहुत पतला डो बेला और उसके ऊपर आपने आलू बिछाए तो आलू में थोड़ा सा
पानी होता है वो उसको गीला कर देगा और वो टूट जाएगा। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।